जब से हमारे पास सोशल मीडिया है तब से हमें पता चला है कि भाई जो बॉलीवुड वाले हैं ना बड़े चोर किस्म के आदमी हैं। यानी कि हर मूवी उठा ले रहे, कोई भी मूवी सुपरहिट जाती है बाद में पता चलता है कि अरे तो उसकी कॉपी थी, इसकी कॉपी थी। और ये सिलसिला आज का नहीं, बहुत पुराना है। ऐसी ऐसी फिल्में बताऊंगा जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और भाई वो भी कॉपी ही निकली आखिर। देखिए, एक मूवी है गजनी, जिसने आमिर खान को बहुत भयंकर पॉपुलैरिटी दी। और कमाल की बात यह है, तमिल फिल्म गजनी का रिमेक है। जिस साल गजनी आई थी उसके एक डेढ़ साल बाद आमिर खान ने निकाल दी कि भैया कंसेप्ट तो सुपर हिट है ही, क्यों ना इसकी फिल्म बनाई जाए। ये तो चलो फिर भी नया हो गया। एक मूवी आई थी तेरे नाम सलमान खान, और कमाल की बात है काफी अप्रिशिएट की गई थी ये मूवी। और ये भी तमिल फिल्म सीतू का रिमेक है दोस्तों। और ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी थोड़ा नया है। एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, राम और श्याम, बड़ी ही पुरानी फिल्म थी। तो ये भी तेलुगु मूवी रेमेंडू भिमंडू का हिंदी रिमेक है। और देखिए सिंगम, फोर्स, उसके बाद आपकी जो मूवी थी वॉन्टेड, अक्षय कुमार की हॉलीडे, इन सब के बारे में तो आपको पता है। जैसे कि राउडी राठौड़ के बारे में सबको पता है, लेकिन अंदर ही अंदर और भी बहुत सारी फिल्में बन गई, जैसे कि हेरा फेरी। तो भाई ये पता चला, अंदर से मेरी आत्मा रोई कि यार हेरा फेरी पे तो हमने बड़ा प्राउड किया है। तो मैं आपको बता दूं, हेरा फेरी एक मलयालम मूवी है, रामोजी राव स्पीकिंग, तो ये इसका हिंदी रिमेक है। हद हो गई यार, क्या क्या करेंगे ये लोग। उसके बाद भाई आपकी मूवी आ गई नो एंट्री, तो एक मलयालम मूवी है चार्ली चैपलिन, तो ये इसका रिमेक है। उसके बाद आपकी मूवी आ गई हलचल, तो एक मलयालम मूवी है गॉडफादर, ये उसका रिमेक है। एक तमिल मूवी है रन, तो इन्होंने हिंदी में बना दी रन, जिसमें आपके अभिषेक बच्चन है। उसके बाद आपकी एक मूवी है विरासत, तमिल मूवी तेवर मग्गन का, ये है हिंदी रिमेक। और अपने बचपन के दिनों में एक बहुत ही रोमांटिक मूवी आई थी जिसका नाम था सिर्फ तुम। भाई क्या ही गाने थे यार इस फिल्म के। लेकिन अभी जब मेरे को पता चला कि यार ये भी रिमेक है, तो वाकई में यार अंदर से अंदर गाली देने का मन कर गया था कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, लिख लो यार एक आधी कहानी तो अच्छी। उसके बाद मैं सोचा कि यार जो अक्षय कुमार ना अभी कॉपी करने लगे हैं, पहले तो नहीं करते थे यार की ऐसी बातें। लेकिन जब आपको पता चलेगा ये बात कि मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी भी रिमेक है, तेलुगु मूवी ओ आकिटी अडुकू का, तो भाई आपका भी एक बार तो मूड खराब हो ही जाएगा कि यार कितने बड़े चोर, कितने पुराने चोर हैं भाई ये लोग। और एक मूवी आपने देखी होगी, काफी हंसे भी होंगे, राजपाल और अक्षय की परफॉर्मेंस ठीक थी इस मूवी में, जिसका नाम है खट्टा मिठा। लेकिन यहाँ भी भाई कंप्लीटली चोरी, मलयालम मूवी है वेलनकलेडू नडू, तो ये इसकी रिमेक है। और भाई वो सात दिन, चाची 420, बीवी नंबर वन, युवा, अनजाना अनजानी, दे दनादन, ये सब भी साउथ की ही रिमेक मूवीज हैं यार। यहाँ पर आके ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार इनकी रिमेक बना बना कर इन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अभी हालात बदल गए भाई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, बॉलीवुड से कहीं आगे निकल गए हमारे पैन इंडिया स्टार्स। बाकी यार आप कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी मूवी थी जिनके रिमेक के बारे में सुनने के बाद आपको बड़ा बुरा लगा कि शिट यार ये तो रिमेक नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे को पर्सनली हेरा फेरी सुन के, सिर्फ तुम सुन के बड़ा बुरा लगा यार ये भी रीमेक है, यानी कि इनकी जो बेस्ट कल्ट क्लासिक मूवी है वो भी चोरी की गई है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी थी वो फिल्म जिन्हें सुनने के बाद आपको ऐसे आघात पहुंचा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।